ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल tnnlive.tv। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट की। बातें तो होती रहती हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि आबादी का 50% जो है वो ख़वातीन जो हैं उनके हुकूक की बात की जाए तो बेजाना होगा, और ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी अपनी जो है वो एम्पावर रखती हैं एक तरह से अगर कहा जाए तो। इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से भी, कश्मीर में जो है ख़वातीन के साथ किस तरह ज़्यादती की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे ज़्यादती केसेस के हवाले से भी, और ख़ैबर पख्तूनख्वा की जो कोर्ट्स हैं उसमें भी कहा गया है कि ज़्यादती केसेस का जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है, यानी एक महीने के अंदर अंदर जो है फैसला किया जाए और उनके अहले खाना के सामने जो मुजरिम है उसको फांसी दी जाए, और इस पर कमेटियाँ भी बनाई गई हैं और इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं लेकिन यही होता है एट दी एंड कोई इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता। और कुछ बात कर लेंगे सोशल मीडिया ने जो धूम मचाई भी है, आईजी के मामले पे भी बात करेंगे और सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे कि इस तरह के केसेस जो हैं और सोशल मीडिया जो है एक जंग की सूरत जो है वो अख्तियार करता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पे कोई भी बात हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी जाती है। हर बात आपको अब सोशल मीडिया से जो है जल्दी पता चल जाती है, चाहे उसमें सदाकत हो या ना हो, लेकिन कुछ लोग उसको सच समझ लेते हैं और कुछ लोग उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फैला दी जाती हैं और इसका कहा जाए तो थोड़ा सा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारी गेस्ट फौजिया तारिक, जो कि आप देखते रहते हैं, आती रहती हैं अक्सर। फौजिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं ज़्यादती केसेस के हवाले से ना जो सामने आ रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली ख़बर भी पढ़ रही थी कि कोई दही इलाका था वहाँ पे 2 जुड़वा बहनों ने आपस में ही ना मतलब ख़ुदकुशी कर ली, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ख़बर ये सामने आ रही है कि आपस में झगड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपस में नोक झोंक हुई होगी या इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई होगी, इसके पीछे क्या रीज़न होगा क्या नहीं वाला आलम, लेकिन ये कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आपको नहीं लगता मतलब सुसाइड अटैम्प्ट करना इतना इजी है? थैंक यू सो मच कौकब फॉर इनवाइटिंग मी ऑलवेज़, और हम इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अवेयरनेस भी क्रिएट करें और प्लस जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो भी इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम दिलाएं। तो जो 2 बहनों की सुसाइड की बात है, अब जब तक ये मुजफ्फरगढ़ का वाकया जी, अब जब तक देखें इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो जब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि वेदर वो सुसाइड थी या मर्डर था। वरना छोटी सी बात पे 2 बहनों का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहनों का जुड़वा बहने ट्विन सिस्टर है, तो मेरे ख्याल से या तो उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो सकता है दोनों के साथ जिसको उनके माइंड ने एक्सेप्ट ना किया हो और वो मेंटली अनएक्सेप्टेबल हो, या वो इतने गम में हो और वो किसी से शेयर ना करना चाहती हो और वो गम और गुस्सा और डिप्रेशन के जी अपने आप को उन्होंने अकेला तन्हा महसूस किया और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में कि जब भी कोई खातून अपने किसी इशू के लिए आवाज़ उठाती है तो लोग उसी को ही ब्लेम करते हैं, चाहे वो रेप हो या कोई और इशू हो, तो लोग समझते हैं कि जैसे उस खातून का ही कसूर है। अच्छा फौजे, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जो है कहा जाता है कि एक बहुत पावरफुल होती है, लेकिन हम क्यों देखते हैं कि ऐसे केसेस में आके ख़वातीन जो है वो इतनी कमज़ोर अपने आप को फील करती है, क्या वजह है? एक्चुअली ख़वातीन ऐसा फील करती हैं लेकिन कवानीन जो ख़वातीन के लिए बने हुए हैं उसमें उनको पूरी प्रोटेक्शन हासिल है। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ख़वातीन या तो अवेयर नहीं है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और उसको कानून ने पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। एक तो अवेयरनेस ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए मीडिया के थ्रू और यू नो सोशल मीडिया के थ्रू और रेडियो के थ्रू यू नो कि उनके पास लेकिन ये, हम देखते हैं अक्सर ना प्रोटेक्शन है हमारे निचले तबके के लोग, मतलब जहाँ पर एजुकेशन इतनी नहीं है, मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है, वही आपकी बात मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी, तो वहाँ पे तालीम का फुकदान है, तो ऐसे इलाकों में हम देखते हैं इस तरह के ज्यादती के केसेस
और इस तरह की सुसाइड अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं, तो क्या लगता है उन इलाकों के लिए किस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, किस तरह वहाँ के जो खवातीन हैं उनको बताना चाहिए कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है या कुछ गलत हो रहा है तो आप किस तरह आवाज़ उठाएं? क्योंकि गांव देहात में अक्सर ये होता है कि वहाँ की जो औरत होती है वो काफ़ी डरी डरी होती है, क्योंकि उसको शुरू से ही जो उसकी परवरिश होती है काफ़ी सख्त माहौल में की जाती है, डराया धमकाया जाता है और वो देख रही होती है जुल्म व सितम अपने अतराफ़ में, तो वो बगावत नहीं कर सकती। तो किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की इन इलाकों में अशद ज़रूरत है जो कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से ऐसे घराने जहाँ पर टेलीविज़न भी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज भी नहीं है। चलो हम हैं, हम तो चलो हम इंटरनेट से और टेलीविजन वगैरह से इस तरह से आपस में उससे पता चल जाता है, लेकिन गांव देहात में जो है अगर बात की जाए तो वहां पर इस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए कॉकअप रेडियो तो हर जगह पे अवेलेबल है, टेलीविज़न भी गांव देहातों में पहुंचा हुआ है। कोई भी ऐसा गाँव या ऐसा विलेज नहीं है कि जहाँ पे कम अज़ कम रेडियो ना हो। और दूसरी बात ये कि स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, आप देखें हर बच्चे बच्चे के पास स्मार्टफोन होते हैं, लोग सोशल मीडिया को के इतने यूज्ड टू हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो जैसे कि बात की जाए इतने एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है इन चीजों का, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कैंप्स लगाने चाहिए, जगह-जगह जाके कॉन्फ्रेंसेस इन इलाकों को सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, वहां पे कोई ऐसे सेल बना देने चाहिए खवातीन के हवाले से, कुछ काम करने की जरूरत है ऐसे इलाकों में। मेरे ख्याल से तो जैसे पहले भी एक मीटिंग हुई थी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक आइडिया दिया था कि आप ऐसे इलाकों में पेनाफ्लेक्सेस लगा दीजिए बड़े बड़े प्रिंट करा के, और उसमें बता दीजिए कि ये चीज़ें क्राइम हैं, चाहे जिस इलाके जो भी लैंग्वेज हो, आप अगर आप पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाबी में लगाएं, सिंध में जा रहे हैं तो आप सिंधी में लगाएं, सिंधी लैंग्वेज में, और उसमें बता दें कि जैसे औरतों को मारना जो है वो अब जुर्म है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि औरतों को मारना जुर्म है, जिंसी तौर पे हरासा करना औरतों को जुर्म है, चाहे आप टच करें उनकी मर्जी के बगैर। तो मेरे ख्याल से अगर ये पेनाफ्लेक्सेस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जगह जगह लगा दें तो इससे भी अवेयरनेस फैलेगी, लोग खड़े होकर पढ़ेंगे तो के लिखा क्या है इसके ऊपर और क्या है। और ऑफ कोर्स अगर कोई ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, और वो जाकर एवरी मंथ इस पे बात करें लोगों से, वहाँ पे गांव के लोगों को इकट्ठा करें, और इसमें पुलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्योंकि हर इलाके का तो SHO होता है। तो अगर एक SHO को असाइन कर दी जाएगी ड्यूटी के जी अपने इलाके में अवेयरनेस भी क्रिएट करो लोगों को, ठीक है कानून इम्प्लीमेंट करना, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं ना फौजियों यहाँ पर के वो अपनी खवातीन को इजाजत नहीं देते कि वो जाएं या इस तरह करें, तो किस तरह सर्चिंग की जाए फिर इसके लिए, क्या करें? घर घर जाकर खवातीन से मुलाकात करनी चाहिए, घर घर जाकर उनके अंदर इस तरह से अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत इंटीरियर पंजाब का ये वाकया है, वहां पे दो लोग क्राइम कमिट करके कराची में आके छुपे थे और यहाँ पे कराची पुलिस ने जो है वो उनको अरेस्ट किया था और वो उनको वहां पर लेकर गए थे यहाँ से अरेस्ट करके। तो उसमें यही होता था कि एक लड़की को शादी करके वो ले गए सुसर, और वो दो ही फैमिली मेंबर्स थे सुसर एंड हस्बैंड लड़की के, लड़की 16 साल की थी। एक तो पहला क्राइम कमिट किया उन्होंने कि 16 साल की लड़की की शादी नहीं हो सकती, चूंकि सिंध में कानून बना हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट पे, तो उन्होंने पंजाब ले जाके शादी की, क्योंकि पंजाब में कानून नहीं है, पंजाब में आप शादी कर सकते हैं, ये सिंध का कानून है। तो उसके बाद उसको उन्होंने फोर्स किया प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और जब ऑफ कोर्स लड़की ने रिटेलिएट किया तो वो उसके ऊपर बहुत जुल्म किया, जब वाइल और उसमें जब वो मारते थे तो उसके मुंह में कपड़ा ठोसते थे कि चीखों की आवाज बाहर ना जाए। अब आप देखिए कि लकीली उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि छत पे से किसी ने देख लिया, किसी नेबर ने कि इस लड़की को रॉड्स के साथ जलाया जा रहा है, और उसने जाके उन खातून ने जिन्होंने देखा उन्होंने वहां पे SHO को ढूंढा और रिपोर्ट की कि मैंने बड़ा हैबतनाक मंजर देखा है इस घर में, आप प्लीज आइए और मदद कीजिए। और उस खवातीन के कहने पे पुलिस ने उसको जब लड़की को किया बरामद तो वाकई में उसकी बहुत बुरी हालत थी, और वो उस हालत में भी उससे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे उस हालत में भी। और मैं तो सोचती हूँ कि जो लोग आके उसके साथ सेक्स कर रहे थे वो किस किस्म के दरिंदे नुमा लोग थे, कि यानी कि उनको रहम नहीं आया कि एक लड़की जली हुई है बेहोश है और उसके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ है। बट यू कैन इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ पीपल, हाउ फार दे कैन गो, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है।
ظلم ظلم کی انتہا ہے. فرسٹریشن نہیں, اس کو میں جہالت بولوں گی اور اس کو میں تعلیم کی کمی بولوں گی. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ وہاں کے لوگ تو دو دو تین تین شادیاں کرنے کا ان کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین شادیاں, پھر اس کے باوجود بھی اس طرح کا مطلب عمل درآمد, مطلب جی عجیب سی بات نہیں ہے یہ. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی. اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ لڑکی کراچی کی تھی, پھر خیر وہ پوری انویسٹیگیشن چلی اور ان کو سزا ملی دونوں کو, سسر کو بھی اور ہسبینڈ کو بھی. لڑکی کا باپ کراچی میں تھا. تو بہرحال لیکن جو یہ چیزیں ہیں نا یہ سب دیکھیں, اگر میں تعلیم کی بات کروں گی تو بہت سارے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ہم نے ریپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ہم سیکچوئل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کریں تو وہ بہت بڑے بڑے کمپنیز کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی سیکٹریز کو اور اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں. بات ہوتی ہے مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کی, کہ جہاں پر آپ کا مائنڈ ڈیفائن کر لے کہ کیا چیز صحیح ہے یا کیا غلط ہے. سم پیپل ڈونٹ مائنڈ, لڑکیاں بھی مائنڈ نہیں کرتے, لڑکے بھی نہیں مائنڈ کرتے, تو وہ ایشو ہی نہیں ہے. لیکن ایشو وہاں پر بنتا ہے جہاں پر کسی کی مرضی نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں. تو بھائی دی کوسچن از دیٹ کہ جب کمرشل سیکس ورکرز اویلیبل ہیں, جب مرضی سے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں, تو آپ ایسی لڑکیوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں جو کہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتی یا جو نہیں کرنا چاہتی, آپ ان کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ تو مجھے نہیں سمجھتا یہ سب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ایکچولی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مینٹلی, کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے یا آج کل کا جو ماحول ہے اس میں تو میرے خیال میں بہت ایزی ایکسس ہو گئے ہیں اب تو لوگوں کو. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں, میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا اور وہ بہت غریب طبقے کے لوگ تھے. تو ان کی بیگم نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے لیکن مجھے یہ بہت مارتا ہے رات کو اور میرا گزارا اس کے ساتھ مشکل ہے, فوزیہ میں کیا کروں گی, مجھے بہت پیٹتا ہے. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کیا وجہ ہے, اتنا پڑھا لکھا ہے اور گڈ پرووائڈر بھی تھا, سب کچھ دیتا تھا, تبھی وہ شاید ٹکی بھی تھی مار کو, وہ برداشت کر رہی تھی کہ اور چیزوں میں یہ اچھا ہے. لیکن جب اس آدمی کی ہسٹری پتہ چلی تو ان کے جو فادر تھے وہ ان کی امی کو بہت زیادہ مارتے تھے, تو بچپن سے انہوں نے اپنی ماں کو اتنی مار کھاتے ہوئے دیکھا کہ ایک واقعہ انہوں نے رو رو کے ہسبینڈ نے شیئر کیا کہ ایک بار باپ نے اتنا مارا ماں کو کہ ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ٹانگ الگ ہو گئی, اتنا مارا ڈنڈے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی ٹانگ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور باپ کو ٹانگ ادھر پھینکتے ہوئے دیکھا. اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے بعد کوئی میری ماں کو ہاسپٹل بھی نہیں لے کے گیا. کہتا ہے میں نے اپنی ماں کی ٹانگ کو ویسے ہی دن بہ دن ہیل ہوتے ہوئے دیکھا خود زخموں کے ساتھ, اور میری ماں لنگڑی ہو گئی. تو اس لڑکے کی جو دیکھیں, اس کے بعد وہ اس ماحول سے نکلا, وہ اس نے پڑھا لکھا, محنت کی, وہ اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچا, لیکن اس کے مائنڈ میں وہ جو وائلنس جو باپ نے ماں کے ساتھ کیا وہ بیٹھ چکا تھا. اور وہ پھر ہم نے اس کو سمجھایا, ہم نے کہا تم جب اتنے بیک گراؤنڈ میں اپنی ماں کے لیے آج بھی تم خون کے آنسو روک جائے, ان کی مدر کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی, اتنے مار کھا کے کوئی عورت زندہ بھی کتنے دن تک رہے گی, آپ امیجن کر سکتی ہیں. عورتیں تو بہت نازک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکتی تو ٹانگ ٹوٹنا اور یہ لوہے کی سلاخیں مارنا, آئی ڈونٹ نو اتنی خوبصورت چیز پہ ظلم لوگ کیسے کر سکتے ہیں. میں تو اس بات پہ جہالت ہے, بالکل اتنی جو آپ کی اپنی چیز ہے, بیویوں کو جن کے ساتھ آپ راتوں کو سیکس کرتے ہیں اور پلیجر آپ لیتے ہیں, آپ انہیں بیویوں کو آپ مارتے ہیں. ہاؤ کم جو آپ کے لیے روٹیاں پکاتی ہیں آپ کے لیے, مطلب ہاؤ کروئل یو آر. ہر آدمی نہیں ایسا ہوتا, یہ میں پرٹیکولر کیٹیگری کی بات کر رہی ہوں جو میرے خیال سے یا تو یہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں, نشہ کرتے ہیں, یا یہ اتنے ہائی ہوتے ہیں کوکین لے کر اور شراب لے کے کچی اور جو بھی ان کو نشہ ملتا ہے کہ ان کو ہوش نہیں رہتا, ان کو تمیز نہیں رہتی, یا پھر یہ مینٹلی ایل ہیں, یا پھر ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی. لیکن کوکب وٹ ایور جو بھی ہے, ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے. ایسا ظلم جو ہے وہ عورتوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, اور میں کہتی ہوں ان کو ضرور قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن فوزیہ یہاں پہ بریک بہت ضروری ہوتا ہے, تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.TV.